कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, प्यार करना गुनाह है और प्यार करना गुनाह नहीं भी है। ये तय करता है कि परिवार क्या सोच रहा है और समाज क्या सोच रहा है। लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ शालीमार गार्डन में, जो लिसाड़ी गेट थाने के क्षेत्र में आता है। ये 40 फीटा रोड है। आपको याद होगा 12 अगस्त 2022 को नाले में, इस्माइल नगर के नाले में एक लड़की की लाश मिली थी। उस लाश का कई दिनों तक पता नहीं चला कि लड़की की लाश में उसका सर नहीं था, सिर्फ धड़ पड़ा हुआ था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने मालूम किया कि लड़की कौन है, तो पता चला कि इस मकान में, देखिए ये मकान है शाहिद का मकान है। इसने अपनी बेटी साइना का गला काट के हत्या की और जो उसका सिर था उसे माधवपुरम के एक नाले में फेंक दिया, जबकि धड़ को एक कपड़े में लपेट के साइकिल पे लेकर नाले वो कब्रिस्तान में ले जा रहा था दफनाने के लिए। लेकिन वहाँ पे हलचल हुई और लोगों को उसको लगा कि लोगों को पता चल जाएगा, तो इन नाले में फेंक के चला गया। काफ़ी जद्दोजहद रही, पुलिस उसमें फंसी रही, भाई आखिर क्या है, ये लड़की कौन है, किसने इसको मारा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, अवैध संबंध है क्या है, तमाम पुलिस की जांच चलती रही। उस वक्त SSP रोहित सिंह सजवाण थे, उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई और कहा कि इस केस का खुलासा होना चाहिए। और खुलासा हुआ भी, तो खुलासा ही बड़ा चौंकाने वाला हुआ। पुलिस ने इस मामले में सानिया के पापा यानी उसके अब्बा शाहिद को और उसकी माँ को उसको गिरफ्तार किया। शाहिद ने पहले तो बरगलाने की कोशिश की, जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो उसने बताया कि अपने बॉयफ्रेंड वसीम सैफी के साथ निकाह करने की कोशिश कर रही थी और बार बार जिद कर रही थी और कई बार घर से भाग भी चुकी थी, हमने इसलिए इसका गला काट के हत्या कर दी। एक बहुत ही निर्मम, एक पिता का के द्वारा बहुत ही कातिलाना अंदाज था। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पिता ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ मैंने अपनी बेटी का कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद हमने उसको नाले में फेंक दिया है। और ये पूरा इतना मामला इतना बहुत ही जघन्य था। एक पिता जिसने अपनी बच्ची को गोद में खिलाया, उसे पाला पोसा, उसके सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। इस शाहिद की दो बेटियां हैं, तीन बेटे हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी थी। और हैरानी की बात यह है कि जब जिस वक्त इस लड़की का उसने अपनी बेटी का कत्ल किया, उस वक्त उसकी पत्नी उसकी बेटी के जो प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी हुई थी, उसके अस्पताल में थी। ये पूरा मामला पूरा बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था। और ये खुला कैसे है पूरा मामला कि जब पुलिस कई एंगल पे काम कर रही थी और काम करते करते पुलिस ने देखा कि एक पुलिस के पास एक फ़ोन आता है वसीम सैफी नाम के युवक का। उसने बताया कि इस लड़की का जो कत्ल हुआ है, ये हमारी प्रेमिका है, हम इससे शादी करना चाह रहे थे और इसका कत्ल संभवतः इसके पिता ने किया है, आप इसके पिता को उठाइए तो आपको इस पूरे केस का मालूम चल जाएगा। तो पुलिस ने जब शाहिद को बुला के सख्ती से उसके साथ पेश आए, तभी जाके केस खुला। 19 अगस्त को ये माता पिता गिरफ्तार हुए और तब से यानी 19 अगस्त 2022 से शाहिद जेल बंद है, उसकी पत्नी भी जेल बंद थी। बाद में पत्नी उसकी जेल से रिहा हुई, जमानत हुई, आज वो इस पूरे मोहल्ले को छोड़ के खतौली में अपने देवर के यहाँ चले गए। उनके बच्चे भी, एक बड़ी बेटी की शादी हो गई। आप ही देखिए पूरा सुनसान पड़ा है मकान, कभी गुलजार हुआ करता था इसमें, उसमें सानिया उनके तीनों भाई हंसते खेलते पूरी गलियों में उछल कूद करते थे, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पड़ा है। आप ही देखिए बच्चे भी हैं, देखिए इन बच्चों को भी देखिए, बच्चे भी घर के सामने हैं, वो भी उनका भी यही कहना है कि कैसे आप यहाँ पे हलचल हुआ करती थी, खुशी का माहौल था, और लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है। अब इस घर में कोई भी नहीं है, ताला भी देखिए लगा पड़ा है और सन्नाटा छाया हुआ है। और कुछ लोग कहना है कि गली के सामने से निकलने में डर लगता है, क्योंकि उन्होंने इस लड़की का कत्ल की कहानी जब उनके सामने आई तो उन्होंने दहशत में आ गए। मोबाइल में जब वायरल हुई खबर तो और भी लोगों को लगने लगा कि इस मकान में कैसे एक लड़की रहती थी और उसका कत्ल किया गया। हम आपको भी दिखाएंगे, भी एक दो लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि जिन्होंने जो इस पड़ोसी हैं, और वो देखिए ये अभी इनसे बात कराते हैं आपकी। देखिए मोहल्ले में है तो आना जाना तो लगा भाई, तो आप भी इस परिवार को जानती थी? हाँ, वो थोड़े से दिन से आए थे, एक साल हो गया था अभी ना आए को। तो आपको कैसे लगे एक पिता अपनी बेटी को मार सकता है? खैर नहीं मालूम था जब तक, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये तो हमें मालूम भी बाद में लगा के यो ऐसा हो गया। तो आपको लगा कि एक पिता जिसने अपने बच्चे को पाला है ऐसा कर सकता है? और इतना ऐसा तो कोई कर ही ना सकता, पर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। भाई जब दो जगह से छोड़ के आ गई ये वहाँ से, और फिर ये परेशान हो गए ज़्यादा ही, इसलिए कर रहा उन्होंने। नहीं करता कोई नहीं, अपना बच्चे को कौन कर सकता है ऐसा, ये बताओ। ये लड़की पहले भी एक बार भाग चुकी थी, दोबारा लौट के आई थी? पहले चली गई थी ये, वैसे तो हमने देखा नहीं था, पर बाकी का हाँ पहले चली गई थी ये बता रहे थे कि हाँ चली गई है। अब ये पूरा परिवार कहाँ रहता है भाई? ये तो अभी हमें मालूम नहीं है कहाँ रह रहे, पर हाँ अब आई थी उसकी घर वाली आई थी, वो भी आके चली गई, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। ये तब से ये घर नए आए थे ना? हाँ जी, पहले यहाँ रहने वाले नहीं थे? नहीं अभी आए थे, नए एक साल से हुआ बस ना, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। शाहिद करता क्या था?
ये तो उसके टंकी का टोटियों का काम करते हैं। हाँ प्लम्बर। तो अब ये पूरी आपके लिए एक सुनसान मकान पड़ा हुआ है पे, लेकिन आपको लगता होगा जब भी दिमाग में आता होगा कि एक लड़की को, अच्छा आपका मकान सामने है तो आपको लगा होगा जब कि लड़की का कत्ल किया गया है, उसकी लाश जब मिली थी। दिन के तो देखो डर तो लगता ही है, आप सबको लगता है, हमें क्या लगा, जो कोई भी देखेगा उसे तो लगे लगेगा डर तो। पर अब तो सब भय निकल गया, नॉर्मल तो नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल हो गया। तो ये लेकिन एक लोगों के लिए सबक भी था कि लोगों को अपने घर में सही ढंग से रहना चाहिए और लड़कियों को अपने संस्कार में रहना चाहिए, लड़कियों को भी रहना चाहिए, अपने माँ बाप को देखना चाहिए, सारी बात है, वो तो होना भी चाहिए, ऐसा क्या करा, जब परेशान कर दिया उन्होंने लड़की ने तो जब ही तो करा उसने, नहीं ऐसा कौन नहीं करता, कोई नहीं करता ऐसा। अभी आपने देखा कि सब बिल्कुल घर के सामने, आपका नाम क्या है? जुबैदा। शाहिद के घर के सामने जुबैदे रहते हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा घटना हुई थी और किस तरह एक दहशत का माहौल था, अब नॉर्मल हो गई स्थिति, लेकिन ये केस लोगों के जहन में अभी भी बसा हुआ है कि कैसे एक पिता ने अपनी बेटी का निर्मम कत्ल किया, उसके सर को अलग फेंक दिया, धड़ को अलग फेंक दिया। कैमरामैन समीर चौधरी के साथ ज्ञान प्रकाश, जनवाई न्यूज़।